श्रीमंदिर चंपक द्वादशी रुक्मिणा हरण एकादशी परवर्ती दिवस हूँ चंपक द्वादशी बा द्वादशी तिथि को चंपक द्वादशी बोली कहुए। यह एक ओडिशार एक गणपर्व यही दिन अनेक स्थान विभिन्न प्रकार आतशबाजी बाण मार प्रतियोगिता हुए देवदंपति मानकर विवाह कार्य सरी थाए तेणु सो स्थान को सेने बाहुड़ी था महाप्रभुंकर जेहेतु रुक्मिणा हरण एकादशी तिथि विवाह कार्य होइथाए सेतेबेले नवदंपति चलती ठाकुर गजपति निमंत्रण रक्षा करी श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वरे प्रदक्षिण पूर्वक विमान आरोहण करी विभिन्न प्रकार ध्वजा पताका घंट छता काहली बाजा पटुआर रे गजपति नवर को जाई एवं गजपति नवर रे स्वतंत्र भाव रे भेटी इत्यादि साड़ी प्रदान करा जाए भेटी प्रदान करा जाए पंचुग्रासी भोजन रे आप्यायित करा जाए नवदंपति को एवं निजे चलती विष्णु जी गजपति महाराजा तांकु बाटरु बाटी आनी निज वास भितर को पाछोटिकरी नहीं था किसी समय अतिक्रांत करी से बाजा पटुआर रे नवदंपति श्रीक्षेत्र जो अच्छा जम्बेश्वर महादेव अच्छा से जम्बेश्वर निकट को जाई था बालीसाई बाट देकर आमर श्यामाकाली साई देकर हाटमुंड देकर गौड़ बाट साई रे जो रही जम्बेश्वर महादेव तांक निकट को जाई था गोटे दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ वृषभ उपर आरोहण करी अर्थात जम्बेश्वर भगवान तांकर निज बाहन को महाप्रभु को आणापी बाटे किसी बाट वृषभ को लेकर सेठे पहुँचे था गरुड़गामी मधुसूदन गरुड़ को त्यागपूर्वक वृषभ से आरोहण करी महालक्ष्मी सहित गर्भगृह को जम्बेश्वर पाखक जाई था सेठे पंचुग्रासी भोजन बंदापना आलती इत्यादि रही था यही भाव में अनेक नीतिकांति रही था महाप्रभु सेठे अतिथि हिसाब से जमी पंच पांडव अर्थात शीतल षष्ठी समय पंच महादेव को आमंत्रण कर जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी जगमोहन आप्यायित करती भाव में लक्ष्मी सहित जगन्नाथ महाप्रभु यही दुई देव मान जगन्नाथों सहित नवविवाहिता माँ रुक्मिणी देवी की मध्य जम्बेश्वर भगवान आमंत्रण करजर स्वस्थान को सेठे जा स्वतंत्र पूजा विधान इत्यादि होता तत्पश्चात विलंबित रात्रि महाप्रभु लक्ष्मी की अर्थात रुक्मिणी देवी की निज सहित धरिकी से श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन कराय बहुत विलंब राति होता है प्रायत भोर पहांतिया पाई जाए था जितेबाला महाप्रभु आसिक श्रीमंदिर पहुँची था अन्न नीति कार्यक्रम पणा भोग आलट लगी यही सब कार्यक्रम सरला रात्र पहुड़ होता है। ये हूँ चंपक द्वादशी श्रीमंदिर नीतिकांति। Ready।